नमस्कार, एस टीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अलवर में क्राइम को लेकर विधानसभा में हुआ हंगामा, भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा, टोकने पर गृह मंत्री से भिड़े आहूजा। ट्रोले से टकराने के बाद कब्र बनी कार, चार ने गंवाई जान, दोस्त की शादी में जाते वक्त हुआ हादसा। मंत्री यूनुस खान ने नहीं बोली भारत माता की जय, कार्यक्रम का वीडियो हुआ वायरल। दिल के दौरे के बाद बाथ टब में डूबी थी श्रीदेवी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जांच में मिले अल्कोहल के अंश। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में अलवर में बढ़ते अपराधों को लेकर खासा हंगामा रहा। भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा इसे लेकर मुखर नजर आए। अलवर जिले के अन्य भाजपा विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। विधानसभा में आज अलवर जिले के रामगढ़ से एमएलए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अलवर में वाहन चोरी सहित 11 तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और एसपी ने चालाकी से वाहन चोरी के मामले कम दर्ज किए हैं। आहूजा का यह भी आरोप था कि अलवर में हर साल 10,000 करोड़ का सट्टा लगता है। किशनगढ़ बास विधायक रामहित यादव ने भी आहूजा का समर्थन किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने टोका तो आहूजा का कहना था कि सच्चाई सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। इस पर गृह मंत्री कटारिया ने कहा कि जोर से बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आहूजा का जवाब था मेरी आवाज ही ऐसी है, मुंह में साइलेंसर नहीं लगा सकता। उधर विधायक रामहित यादव ने पूरक प्रश्न के तहत गोवंश तस्करी के मुकदमों की संख्या पूछी। इसके अलावा ट्रांसफार्मर चोरी और वाहन चोरी के मामलों में एफआर लगाने का कारण भी जानना चाहा। वहीं कटारिया का कहना था कि अलवर में हर माह औसतन 400 से 500 वाहन चोरी के मामले आ रहे हैं, साथ ही गो तस्करी के मामलों को नियंत्रित किया गया है। उधर गुलाबचंद कटारिया ने दावा किया है कि प्रदेश में गो तस्करी पर नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्था के चलते इसमें सफलता प्राप्त हुई। इससे पहले विधायक बनवारीलाल सिंगल के मूल प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री ने बताया कि अलवर जिले में कानून व्यवस्था के लिए 2 पुलिस अधीक्षक लगाए जाने के संबंध में रामगढ़ एमएलए ज्ञानदेव आहूजा द्वारा वर्ष 2015 और 16 में पुलिस विभाग को पत्र लिखकर मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि अलवर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जिला स्तर पर अपराध पंजीयन भी राज्य में अलवर में सर्वाधिक है और वर्ष 2017 में 17,405 प्रकरण दर्ज हुए। इस दृष्टि से अलवर जिले में 2 पुलिस अधीक्षक लगाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। श्री गंगानगर में नेशनल हाईवे पर रविवार रात एक कार अपने आगे चल रहे ट्रोले से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि कार में सवार सभी 6 युवक आपस में दोस्त थे और दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सूरतगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान गणेशगढ़ पुलिस चौकी से पहले यह कार आगे चल रहे ट्रोले से जा टकराई। तेज रफ्तार कार ट्रोले में अंदर तक जा घुसी, वहीं ट्रोला चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। इस बीच सूचना पाकर गणेशगढ़ के ग्रामीण ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर आए और किसी तरह कार को ट्रोले के नीचे से बाहर निकाला। 2 शवों को कार की खिड़की काटकर बाहर निकालना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें प्रवीण विश्नोई, राकेश विश्नोई, अमित और देवराज शामिल हैं। दुर्घटना के बाद अस्पताल में युवकों के परिजन और अन्य परिचित इकट्ठा हो गए। उधर घायलों का इलाज किया जा रहा है। राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि डीडवाना में आयोजित गौरव सेनानी रैली के दौरान उन्होंने अन्य लोगों की तरह भारत माता की जय नहीं बोली। डीडवाना में हुए गौरव सेनानी रैली के दौरान जब मंच से भारत माता की जय का नारा लगाया गया तो मंत्री खान और मकराना विधायक श्रीराम भीचर इधर उधर झांक रहे थे, जबकि उनके पास खड़े केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी सहित राजस्व विभाग राज्य मंत्री अमरा राम और अन्य अतिथि हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल रहे थे। गौरव सेनानी रैली में जब उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
की, भारत माता की। गौरतलब है कि गत वर्ष 26 नवंबर को छोटी खाटू में आयोजित हिंदी पुस्तकालय के साहित्य सम्मान समारोह में भी मंत्री ने अतिथि सत्कार के दौरान लगाए गए तिलक को हटा दिया था। उन्होंने अतिथि की कुर्सी पर बैठते ही अपना माथा रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो मंत्री यूनुस खान ने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू कर देखा कि कहीं तिलक के अंश माथे पर रह तो नहीं गए। इसके अलावा मंत्री खान ने डीडवाना में एक स्कूल के कार्यक्रम में तिलक लगाते समय बालिका को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। मंत्री द्वारा बालिका का हाथ पकड़ने का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके अलावा आरोप है कि मंत्री बनने के बाद जयपुर में जब उन्हें बंगला आवंटित किया गया तो उस बंगले में स्थित शिव मंदिर को मंत्री ने हटवाकर बाहर शिफ्ट करवा दिया। कुल मिलाकर इन घटनाओं ने सवाल उठाया है कि आखिर इन नेताओं द्वारा किए जाने वाले सांप्रदायिक सद्भाव के दावों पर कितना यकीन किया जा सकता है। दुबई के होटल में बॉलीवुड सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने से हुई थी। फोरेंसिक जांच कर रहे दुबई के डॉक्टरों ने श्रीदेवी की पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा किया है कि श्रीदेवी कार्डियक अरेस्ट के बाद बाथ टब में गिर गई थी। वहीं गल्फ न्यूज के अनुसार श्रीदेवी के खून में अल्कोहल की मात्रा थी। कार्डियक अरेस्ट के दौरान श्रीदेवी अपना संतुलन खो बैठी और बाथ टब में जा गिरी। दुबई में अपने पति बोनी कपूर के भांजे मोहित की शादी में भाग लेने के बाद श्रीदेवी की दुबई के होटल में मौत हो गई थी। उधर उद्योगपति अनिल अंबानी ने श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाने के लिए 13 सीटों वाले निजी विमान को रवाना किया। एक्ट्रेस श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में पूरे बॉलीवुड के साथ उनके फैंस और करीबी लोग इकट्ठा हो गए। मुंबई के वर्सोवा स्थित उनके बंगले में अंतिम यात्रा की तैयारियां की जा रही है। अंतिम संस्कार जुहू के मुक्ति धाम में किया जाएगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक विदाई में इस्तेमाल होने वाली हर चीज सफेद रंग की होगी। गौरतलब है कि 54 साल की श्रीदेवी की अंतिम फिल्म मॉम पिछले साल आई थी। श्रीदेवी ने फिल्मों में अपने अभिनय से हमेशा प्रभावित किया। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया, चांदनी और नगीना जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसके बाद वर्ष 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से फिल्मों में सफलतापूर्वक वापसी की थी। सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी नवाजा था। अभ्युदय मंच की ओर से अलवर में महामूढ़ हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन राजऋषि अभय समाज के रंग मंच पर किया गया। कवि सम्मेलन में हास्य कवियों ने वर्तमान हालात पर करारे व्यंग बाण छोड़े। स्वर्गीय विप्लव मोदी की स्मृति में 12 साल बाद महामूढ़ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में लाफ्टर शो के कलाकार जयपुर के एकेश पार्थ ने मुफ्त में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, वोट ने हमको मारा और हम लीडरों के सताए हुए हैं, ऐसी कविताएं सुनाकर श्रोताओं की तालियां बटोरी। हर रर धक धक करने लगा, नीरव डरने लगा, पीएनबी घोटाले में मकड़ी फंस गई जाले में, धक धक करने लगा। होली का सीजन है, मैंने कल्पना की कि सारी महिला नेता अटल जी के गुलाल लगाने गई है और क्या कह रही है। सबसे पहले सोनिया जी पहुंची और क्या कहा, ये गुलाल है विदेशी, लगवा लो बाबू देसी, लाई हूं मैं देखो इसको बड़ी दूर से, लाई हूं मैं देखो इसको बड़ी दूर से, बोले छेला अटल बिहारी सुन ले इटली की पिचकारी, रंग डालो ना हमारे पे विदेश का, रंग डालो ना हमारे पे विदेश। उमा भारती गई, अटल जी ने गुलाल लगाने से मना कर दिया। वो नाराज रहती है, हमेशा गुस्सा रहता है। उमा भारती ने क्या कहा, लगे आपको उमा भारती की बात है तो पीछे तक के लोग मस्ती लीजिएगा, आनंद लीजिएगा, अगर रंग लगवा लो तो गुस्सा छोड़ देंगे हम, पार्टी में फिर से आ गए सबसे रिश्ता जोड़ करके हम, अगर रंग लगवा लो तो गुस्सा छोड़ देंगे हम।
वहीं मध्य प्रदेश के कटनी से आए कवि मनोहर मनोज टुंडला के लटूरी लठनाथ द्वारा के लोकेश महाकाली और भीलवाड़ा के राजकुमार बादल ने भी खूब हंसाया। शाहजहांपुर के कवि दिनेश देशी घी ने पाखंडी बाबाओं से लेकर कई अन्य सामायिक विषयों पर प्रहार किया। अब लटूरी जी और राम रहीम गुरप्रीत जी को पकड़ के ले गए तिहाड़ जेल में, तो आसाराम जी ने उनका वेलकम किया, आइए स्वागत है। और स्वागत करते हुए नीरज मोदी जी साहब, उन्होंने आसाराम जी ने कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से, बता मेरे यार गुरप्रीत रे ताली बजाकर खोलिए साहब, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई घना दिना में पकड़ायो। अरे वाह वाह वाह, हनीप्रीत के तो हाल बता दे, सब गुफा के राज बता दे, ओ जिगरी यार गुरप्रीत रे भाई घना दिना में पकड़ायो। इतने में और रामपाल जी आ गए उधर से, इनको दोनों को जब देखा आसाराम जी और राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी, तो रामपाल जी कहने लगे, कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। जय हो जय हो जय हो। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। वाह 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 वाह, दिनेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। तो वाह जिंदाबाद का है, कब अब्दुल करीम टुंडा आया। ब्यावर के शिव तूफान ने कविता के रूप में व्यंग समाचार सुनाते हुए कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया किसानों की समस्या को दूर किया जाएगा, बैंकों से लोन लेने के बाद उन्हें भी विदेश भागने का मौका दिया जाएगा। बीते वक्त से इस पल तक राजनीतिक दाव पेच और छल तक प्रस्तुत है समाचारों का नया चैनल कल तक। नमस्कार, आज के समाचारों में जिन्हें आप पढ़ चुके हैं कल के अखबारों में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे और बाहर काम नहीं आएगा तो घर में ही फोड़ेंगे। रेल मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि अब रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि अब किसानों की समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाएगा और बैंकों से लोन लेने के बाद उन्हें भी विदेश भागने का पूरा अवसर दिया जाएगा। खाटू श्याम के गजेंद्र सिंह कविया ने प्रेम के धागे में कच्चे सूत घुस गए, राजस्थान की विधानसभा में भूत घुस गए, कविता सुनाई तो माहौल में ठहाके गूंज उठे। अलवर ने ऐसा परिणाम दिया कि भूत आ गए विधानसभा में। एक व्यंग्य रचना सौंपता हूं आपको कि एक बिल्ला एक गांव में रहा करता, बिल्ला जानते ना बिल्ली वाला बिल्ला, एक बिल्ला एक गांव में रहा करता, आसपास की गलियों से जूठे बर्तन चाटा करता। बिल्ले का परिवार एक गरीब परिवार था लेकिन बिल्ला दुनियादारी में बड़ा होशियार था, हमेशा सरकारी रोजगार पर लगी रहती थी नजरें उसकी, फिर भी सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो चेहरे पर छाई रहती थी खुशकी। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो के वही हाल। सरकारी रोजगार नहीं मिलने पर बिल्ली ने धंधे में घुसने की योजना बनाई और अपने धंधे को सफल बनाने की कई युक्तियां लगाई। बिल्ली ने सोचा कि धंधा ऐसा हो हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग चढ़े चोखा, खूब पैसा आता रहे और ग्राहक झेलता रहे, धोखे पर धोखा और धोखे पर धोखा खाकर भी अपने को मौका देता रहे और अपना ही सामान लेता रहे। इस प्रकार बिल्ली ने खूब मंथन किया और खूब टटोला मर्म, तो ऐसा एक ही धंधा मिला आस्था और धर्म, ऐसा एक ही धंधा मिला आस्था और धर्म। अब बिल्ली ने धर्म के व्यापारियों वाले सारे पाखंड रचाए, उसके जटा जूट और मालाओं को देखकर सारे चूहे चकराए
उसके बढ़ते हुए वैभव को देखकर पूरे चूहे आसक्त हो गए और उसके लुभावने प्रवचनों को सुनकर सारे चूहे उसके परम भक्त हो गए। परम भक्त होते ही चूहों को बिल्ली ने कहा कि अंधे हो जाओ, हरि के दर्शन मिलेंगे। चूहे भी अंधे हो गए कि अच्छा है, प्रभु के दर्शन मिलेंगे। चूहों के अंधे होते ही वह बिल्ला उनके अंधेपन का दोहन करने लगा और उन चूहों की चूहियों पर सम्मोहन करने लगा। अब बिल्ला और बिल्ले के चेलों ने मिलकर धर्म की धारा ही मोड़ दी, पाखंड की भी सारी हदें ही तोड़ दी, लेकिन कौन पका हुआ फल नहीं जड़ा। एक दिन बरता ही है पाप का घड़ा, एक दिन वो पाप का घड़ा भरकर टूट गया और बिल्ले के काले कारनामों का बांडा फूट गया। तो हे इंसानों, हर इंसान के उस ऊपर वाले के हाथ में नकेल, और वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल, वह बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। धन्यवाद। सम्मेलन की अध्यक्षता AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक संजय अग्रवाल ने, उन्हें महामूड अध्यक्ष का खिताब दिया गया, जबकि आयकर आयुक्त विनोद तिवाड़ी को शिरोमणि का खिताब दिया गया। कवि सम्मेलन के संयोजक की भूमिका अखिल मोदी ने निभाई। मित्रों, एक महापूर मैं अलवर आया था, मैं विनोद तिवाड़ी जी से मिला, उन्होंने कहा कवि सम्मेलन कराओ। मैं क्या करता, अलवर वासियों बताओ, कवि सम्मेलन होना चाहिए था या नहीं, होना चाहिए था या नहीं, होना चाहिए था। दोस्तों, मित्रों, जाट बैठा नहीं बेटा, मित्रों, मैंने कवि सम्मेलन करा दिया, व्यवस्था आपको बनानी है, गरिमा आपको बनानी है। अलवर वासियों, इसे नियमित करने के लिए मैं चाहता हूं व्यवस्था और गरिमा। मित्रों, मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं कि ये कब तक कवि सम्मेलन करा सकते हैं, इनकी ताकत पे डिपेंड करता है कि कवि सम्मेलन कब तक हो। मित्रों, तालियां बजाकर विनोद तिवारी जी और संजय जी का मेरा निवेदन है, 1.5 करोड़ अलवरवासी, GST और नोटबंदी से स्ट्रेस में लिप्त, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मित्रों ये कवि सम्मेलन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर और तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास की ओर से बच्चों को जागरूक बनाया जाएगा। ग्राम बम्बोरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। जिला सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास द्वारा विधिवत फीता काटकर क्लब का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अपर जिला सेशन न्यायाधीश शंकर लाल मारू और वरुण तलवार, प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार जलुथुरिया भी मौजूद रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास ने कहा कि न्याय के बिना समाज अधूरा है और न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है। उधर सचिव जलुथुरिया के अनुसार कानून की जानकारी हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचने की पहल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है। इसी कड़ी में विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब की शुरुआत की गई है। उनको कानून का ज्ञान हो जाए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज ये विधिक साक्षरता क्लब का उद्घाटन माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जो उद्देश्य जो लेकर आया है, उस उद्देश्य की पूर्ति आप भली भांति इस जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो गए, शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। वास्तव में न्याय की सबको आवश्यकता है। मैं आदमी को केवल रोटी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे न्याय की भूख रहती है। महाभारत की एक कथा है कि जब पांचों पांडव वनवास में निकल गए, अज्ञातवास में जा रहे थे, उस समय रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो
तो एक सबसे पहले भीख कहने लगा कि मैं जाकर के पानी ले गया एक सरोवर के पास, लेकिन उस सरोवर का कोई मालिक था जो अदृश्य था, यक्ष था। उसने कहा ठहरो, मैं इसका मालिक हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप पानी नहीं पी सकते। और मेरी ये शर्त है कि कुछ प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। श्री गंगानगर शहर के जवाहरनगर थाने में आज भीड़ ने हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। भीड़ ने वाहनों में भी तोड़फोड़ कर डाली। यह विवाद एक शव को लेकर हुआ। इसके चलते जवाहरनगर थाने पर सैकड़ों लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की। इसके बाद यहां अतिरिक्त जाप्ता भेजा गया। शहर में पुरानी शुगर मिल के पास कुछ दिनों पहले एक लाश मिली थी। शव की पहचान को लेकर लोग काफी दिनों से मांग कर रहे थे। उसी बात को लेकर लोग थाने पहुंच गए। इन लोगों की पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। इसके बाद वे आवेश में आ गए और थाने पर पथराव किया, साथ ही तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस फोर्स ने बमुश्किल भीड़ को खदेड़ा। ये क्या डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, ये पटाखे कहाँ से बोल रहे हैं। जालौर जिले की बागरा पुलिस द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग करने वाले युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में जालौर के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह अचेत हालत में है, जिससे कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बागरा थाना प्रभारी और पुलिस के अन्य स्टाफ पर युवक कृष्ण कुमार ने गंभीर आरोप लगाए थे। सियाणा निवासी इस युवक ने पुलिस पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की एवज में मारपीट कर रुपये लेने के आरोप लगाए थे। युवक ने मोबाइल पर इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। आरोप है कि पुलिस ने रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया और उल्टे युवक पर ही आरोप लगा डाले कि वह स्कूली लड़कियों की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वहीं इस युवक कृष्ण कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में जालौर के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई। ग्रामीणों का कहना था कि युवक ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, हालांकि डॉक्टर ने इस संभावना से इनकार किया है। इस युवक की फेसबुक पर आईडी है, जिसमें डाली गई एक पोस्ट में अलविदा दोस्तों लिखा गया है। इस पर उसके अकाउंट से जुड़े दोस्तों ने कई कमेंट भी लिखे हैं। कुल मिलाकर इस मामले में जांच की आवश्यकता नजर आती है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के पिलखुआ में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रेलवे लाइन पार करते समय 6 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से चलकर फैजाबाद जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस पिलखुआ में कुछ देर के लिए रुकी थी। इस दौरान कुछ दैनिक यात्री ट्रेन से उतरकर पटरी पार करने लगे, तभी दूसरी तरफ से आ रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चपेट में यह यात्री आ गए। दुर्घटना की सूचना पर डीएम और एसपी सहित अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, शवों का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हादसा पिलखुआ के गांधी फाटक के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ युवक पटरियों के किनारे चल रहे थे, इसी दौरान दिल्ली मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर दिल्ली की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में 7 युवक आ गए, इनमें से 6 ने अपनी जान गंवा दी। यह भी जानकारी में सामने आया कि सभी युवक रंगाई पुताई का काम करते थे। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि युवकों ने कानों में ईयरफोन भी लगा रखे थे। इसरो से जुड़े भारतीय वैज्ञानिक ने चांद पर किए जाने वाले निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे इग्लू की शक्ल दी जाएगी। इग्लू उस झोपड़ी जैसी निर्माण को कहा जाता है जो बर्फीले इलाके में बनाए जाते हैं। इन इग्लू को बनाने के लिए चांद पर रोबोट और 3D प्रिंटर भेजे जाएंगे। इसके साथ ही इसके निर्माण में चांद की मिट्टी और अन्य सामग्रियों को भी उपयोग में लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 3D प्रिंटर की मदद से तैयार एक मॉडल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। अभी तक वैज्ञानिकों ने इस निर्माण के कुल 5 डिजाइन बनाए हैं।
इसरो सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एन अन्नादुरई ने चांद पर बनने जा रहे इन इग्लू की तुलना अंटार्कटिका में स्थित भारतीय चौकियों से की है। गौरतलब है कि अमेरिका सहित और भी कई देश चांद पर स्थायी निर्माण करने पर विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में पृथ्वी के उपग्रह में जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वह यहाँ कुछ घंटे ज्यादा वक्त बिता सकेंगे। एक वक्त था जब चांद सिर्फ कवियों की कल्पना तक सीमित था, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं। वैज्ञानिक जब चांद पर रहने का सपना हकीकत में बदल देंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अलवर में क्राइम को लेकर विधानसभा में हुआ हंगामा, भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा, टोकने पर गृह मंत्री से भिड़े आहूजा। ट्रोले से टकराने के बाद कब्र बनी कार, चार ने गंवाई जान, दोस्त की शादी में जाते वक्त हुआ हादसा। मंत्री यूनुस खान ने नहीं बोली भारत माता की जय, कार्यक्रम का वीडियो हुआ वायरल। दिल के दौरे के बाद बाथ टब में डूबी थी श्रीदेवी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जांच में मिले अल्कोहल के अंश। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।